बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास, यूनिट नंबर 3, लेक्चर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 20 एंड 45। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एक्स की जगह पर कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो ये एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल पर की वैल्यू क्या हमने सपोज की है। तो हमने सपोज किया कि एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, तो ये इसे लिखने का तरीका ये होगा, पहले मैंने ये 20 लिखा, फिर एक्स और फिर ये वाला लास्ट में 45 लिखा। ये दोनों एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ गिवन है और मीन पोजिशन की वैल्यू हमने सपोज किया वो एक्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला फार्मूला लग गया। x को x से मल्टीपल करेंगे और 20 को 45 से। जब मैंने x को x से मल्टीपल किया तो x का स्क्वायर आ गया, 20 को 45 से मल्टीपल किया तो 900 आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आके x आ गया। 900 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 30 आएगा, इसके साथ हम प्लस माइनस लगा देंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 20x³ y 5 and 5x7 y। लेट m बी द मीन पोजिशन प्रपोर्शनल, तो ये आ गया 20x³ y 5 रेशो m प्रपोर्शन m रेशो 5x⁻¹y। डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज किया था कि m जो है वो मीन है, तो ये दोनों जो है मीन पोजिशन की वैल्यूज़ होती हैं। दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मीन्स कहा जाता है और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को एक्सट्रीम्स कहा जाता है। तो फार्मूला लग गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये m को m से मल्टीपल किया, ये मैं राइट साइड पे लिख गया हूँ, और ये जो एक्सट्रीम्स हैं इनको मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड कर दिया। जब मैंने 20 को 5 से मल्टीपल किया 100 आ गया। x की पावर 3 है और ये x की पावर 7 है, दोनों की बेसिस सेम, तो दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे। मल्टीप्लाइड हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स को ऐड करते हैं। ये x की पावर 10 आ गई, y की पावर 3 है और ये y की पावर 1 है, तो ये y की पावर 4 आ गई। m को m से मल्टीपल किया तो m स्क्वायर बन गया। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया m, 100 का स्क्वायर रूट लिया तो 10 आ गया। x की पावर 10 का स्क्वायर रूट लिया तो x की पावर 5 आ गया। y की पावर 4 का स्क्वायर रूट लिया तो y की पावर 2 आ गया। यानी जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जितनी भी पावर हो वो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। 10 है तो 5 आ गई पावर, 4 पावर है तो वो 2 आ गई। ये थर्ड पार्ट है हमारा 15p⁴q r³ 135q⁵r⁷। हमने लेट कर लिया m बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखा। अब सबसे पहले तो हमने इनको उस पोजीशन में लिखा, सबसे पहले हमने एक्सट्रीम्स की दोनों वैल्यूज़ ये लिखी हैं और ये मीन्स की प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का फार्मूला लग गया। m को m से मल्टीपल किया m स्क्वायर आ गया, 5 को 135 से मल्टीपल किया 2025 आ गया, p की पावर 4 आ गई और ये q है, ये q की पावर 5 है तो q की पावर 6 होगी, ये r की पावर 3 है, ये r की पावर 7 है, तो दोनों को ऐड किया तो r की पावर 10 होगी। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर m आ गया। जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो ये 2025 का स्क्वायर रूट 45 होता है, p की पावर 4 का स्क्वायर रूट p की पावर 2 होता है, q की पावर 6 का स्क्वायर रूट जो है q की पावर 3 हो जाएगा, r की पावर 10 का स्क्वायर रूट जो है वो r की पावर 5 हो जाएगा। इससे हमारे पास फोर्थ पार्ट है x² - y² x - y/x + y। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो हमने सबसे पहले x² - y² लिखा, फिर मीन की दोनों वैल्यूज यानी m और m लिखा, और फिर हमने एक्सट्रीम की सेकंड वैल्यू लिखी x - y/x + y। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। m को मैंने m से मल्टीपल किया, x² - y² को x - y/x + y से मल्टीपल किया, m को m से मल्टीपल किया तो m स्क्वायर आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे x² - y² को हम लिख सकते हैं x + y मल्टीप्लाइड बाई x - y। ये वैल्यू वैसी ही आ गई, ये x + y इस x + y से कैंसिल हो गया, ये आ गया x - y और x - y बच गया हमारे पास। तो x - y को जब x - y से मल्टीपल करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया
ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई।